ओए मार्ट, बस एक फोन घुमाओ घर पर सामान पाओ। इस लॉकडाउन में भी अब करें खुलकर खरीदारी। जी हाँ, अब घरेलू सामान की डिलीवरी नवगछिया अनुमंडल के किसी भी क्षेत्र में कॉल करें 8340371178 7325052437 पर। ओए मार्ट ऑनलाइन मार्केट। जीएस न्यूज पर चल रहे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आज का सवाल, स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में राजधानियों की श्रेणी में किस राजधानी को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? ए पटना, बी बेंगलुरु, सी दिल्ली या डी कोलकाता। भागलपुर नगर आयुक्त के खिलाफ डिप्टी मेयर ने किया ऐलान, जब तक भ्रष्ट नगर आयुक्त तो बदल नहीं जाती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। भागलपुर नगर निगम में नगर आयुक्त के खिलाफ मेयर सीमा शाह, डिप्टी मेयर राजेश वर्मा एवं सभी पार्षदों ने बैठक कर मोर्चा खोल दिया है। सभी लोगों ने बैठक में एक स्वर में कहा कि नगर आयुक्त का कल से लगातार विरोध किया जाएगा। वहीं मेयर सीमा शाह ने कहा कि जब से नगर आयुक्त आई हैं सिर्फ आवास में ही रहती हैं, कभी कभी ऑफिस आती हैं, पता नहीं आखिर आवास में क्या करती हैं, ना तो किसी जनता का सुनती हैं ना ही किसी जनप्रतिनिधि का। जब से कोरोना का संकट आया है तब से नगर आयुक्त बिना किसी क्रय समिति के, बिना किसी बोर्ड के अनुमति के मास्क सैनिटाइज लाखों रुपए का सामान खरीद कर वितरण कर दी है। आखिर किस कानून के तहत उनको यह अधिकार मिला है कि बिना किसी समिति की बैठक किए हुए सामान की खरीदारी कर वितरण कर सके। वहीं डिप्टी मेयर ने कहा कि जब से नगर आयुक्त महोदय आई हैं तब से विकास का सारा कार्य ठप हो चुका है। ना तो दैनिक सफाई कर्मी को पैसा देती हैं, ना ही संवेदक का बिल पास करती हैं। शहर में डंपिंग ग्राउंड के लिए जमीन खोजा गया है, आज तक वहां कूड़ा डंप नहीं हो पाया है। ना ही जनता की सुनती है, ना ही किसी जनप्रतिनिधि की सुनती है। देखिए, लगातार पार्षदों के द्वारा नगर आयुक्त महोदय को सभी समस्याओं से अवगत कराया जा रहा है। सफाई कर्मचारी जो पूरी ईमानदारी से पूरे कोरोना काल में दिन रात एक कर काम कर रहे हैं, वो सफाई कर्मचारी जब जनप्रतिनिधि के पास आते हैं और ये बात कहते हैं कि हमको अभी तक भुगतान नहीं किया जा रहा, समय पर हमको भुगतान नहीं होता है, जो वार्डों में संवेदक काम कर रहे हैं, जो रोड नाले का निर्माण कर रहे हैं, जब हम लोग उस पर दबाव बनाते हैं कि साल साल भर हो गया अभी तक तुम्हारे तरफ से ना रोड पूरा किया गया ना नाला पूरा किया गया, उसके द्वारा जब ये बताया जाता है कि नगर आयुक्त के द्वारा भुगतान नहीं किया जा रहा है, तो आखिर नगर आयुक्त किसी बड़ी योजना की उम्मीद हम नगर आयुक्त से कैसे कर सकते हैं? जब वो सफाई कर्मचारी का भुगतान समय पर नहीं करे, संवेदक का भुगतान समय पर नहीं करे, डंपिंग ग्राउंड जो हम लोगों ने लिया वहां कूड़ा डंप करने का काम नहीं करे, वहां के लिए अलग अलग बहाने मारे, क्षेत्र में नहीं निकले, जनप्रतिनिधियों की नहीं सुने, केवल आवास और कार्यालय यदि यहीं तक सीमित रहना है तो आप चल जाइए फिर पटना, यहाँ क्या आवश्यकता है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी निवेदन करता हूं कि जिस तरीके से कोरोना काल में स्वास्थ्य विभाग में थोड़ी सी भी लचर व्यवस्था पाई गई और माननीय मुख्यमंत्री को लगा कि हमारी और सरकार की जो है वो छवि धूलमिल हो रही है, तो उन्होंने 3 प्रधान सचिव को बदलने का काम किया एक ही महीना। तो यहां पर तो सालों साल से नगर आयुक्त जो है वो मनमानी कर रहे हैं, हम लोग लगातार पत्राचार कर रहे हैं, और यदि हमारी बात पर विश्वास नहीं है तो अब तो आपके सामने स्वच्छता सर्वेक्षण की रिपोर्ट भी आ गई है कि गंदगी में 4th नंबर स्थान पर हम लोग हैं। तो ऐसी परिस्थिति होने के बावजूद सोकाउस होना चाहिए ऐसे नगर आयुक्त के ऊपर, ऐसे पदाधिकारियों के ऊपर, ऐसे प्रशासनिक पदाधिकारियों के ऊपर कि ऐसी क्या आपके पास संसाधनों की कमी रही या इच्छा शक्ति की कमी रही या पैसों की कमी रही कि आप लोग काम नहीं करा पाए। जब हमारे अकाउंट में 200 करोड़ 300 करोड़ रुपया रखा हुआ है, उसके बाद हमारे पास लाख रुपए देने के लिए सफाई कर्मचारी को नहीं है, उसके बाद हमको संवेदक को पैसा देने के लिए नहीं है, और बिना बोर्ड की बैठक, बिना पार्षदों के संज्ञान में, बिना क्रय समिति के संज्ञान में दिए बिना लाखों करोड़ों रुपए मास्क के नाम पर, साबुन के नाम पर और सैनिटाइजेशन के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च कर देना, उसका कोई हिसाब नहीं देना मेयर साहिबा के मांगने के बावजूद। तो ऐसी परिस्थिति में यदि काम करना है, यदि हम नगर निगम के जनप्रतिनिधि चुन कर आए हैं, यदि रोड नाला नहीं बनता है तो जनता को सबसे ज्यादा जनता जो है वो स्थानीय जनप्रतिनिधि पार्षद को सुनाती है, और पार्षद किसको सुनाए? क्या पार्षद के पास वित्तीय पावर है? ये वित्तीय पावर नगर आयुक्त महोदया के पास है। यदि आपको कार्यालय में और आवास में रहना है तो हम लोग अब आपके कार्यालय के बाहर बैठने का काम करेंगे, अब आप अपने आवास पर ही रहिए। इस तरीके की मुहिम में हम लोग सब पार्षद एक साथ हैं, विकास के मुद्दे पर हम सब एक साथ हैं, पूरी पारदर्शिता के साथ कल भी काम चाहता था, आज भी चाहता हूं और आगे भी चाहूंगा, और कल भी
काम नहीं करने वाले पदाधिकारियों के ऊपर हम लोग बढ़ चढ़कर विरोध दर्ज किए थे, आज भी करेंगे और कल भी करेंगे। जब जब ऐसे पदाधिकारी सुस्त रवैया अपनाने का काम करेंगे और शहर के विकास को अवरुद्ध करने का काम करेंगे, हम सब एक मत पर होकर उनका विरोध दर्ज करेंगे। कल से क्या करेंगे आप? हम लोग कल से सभी महिला पार्षद जितनी भी हमारी हैं, बड़ी बहनें, वो सब लोग वहां पर नगर आयुक्त के कार्यालय के बाहर बैठने का काम करेंगी और आगे की रूपरेखा भी सभी लोग मिलकर बनाएंगे कि इसको हम लोग लंबे समय तक, जब तक हमारी 5-6 मांगे हैं, उन मांगों को जब तक पूरा नहीं कर दे तब तक हम लोग इसका विरोध दर्ज करते रहेंगे। हम लोगों को 100 समय पर सभी सफाई कर्मचारी और संवेदकों का भुगतान चाहिए। हम लोग को, जनप्रतिनिधि को कोई भी समस्या हो रही है तो वो किससे संपर्क साधे, उसका उसके लिए अगर नगर आयुक्त फोन नहीं उठा सकती है तो किसको, किसी को अधिकृत करे कि उससे बात करने से हमारी समस्या का समाधान होगा। डंपिंग ग्राउंड हमारे पास है, कूड़ा डंपिंग ग्राउंड में ही गिरे, किसी भी एंट्रेंस पॉइंट पर नहीं गिरे, इस चीज को सुनिश्चित करने का काम करें। हमारे पास जितने भी ये है सफाई कर्मचारी जिनकी जो है बहाली अभी की गई है, जो नियम विरुद्ध है, चाहे जलदल शाखा में हो चाहे अन्य जगहों पर, उसको पारदर्शिता के साथ सामने रखें, जनता को ये बताने का काम करें कितने रुपए का आपने सैनिटाइजर, मास्क और ये सारी चीजें बांटी और किस मद से बांटी और इसके लिए आपने कहां परमिशन लिया, बोर्ड की बैठक में इसको क्यों लाने का काम किया, ये सारी चीजें स्पष्ट करें, उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। रवैया जो देखते क्योंकि जनता तो परेशान है ही, साथ में सारे पार्षद भी परेशान। जन हम लोग यही चाह रहे हैं कि जनता बदल में हम लोग गाली सुनते हैं, हम आप प्रशासन को भी शांति से लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा थोड़ी तो प्रशासन का रवैया होना चाहिए। जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है कोरोना को लेके, ये सिर्फ आवाज पे ही रहती है, आवाज पे क्या करती है पता नहीं। आप फोन कीजिए तो कहीं हम बीसी में है, बैठक है, स्मार्ट सिटी का बैठक के बहाना करती है हमेशा, अब कोई काम नहीं करती है, एक संवेदक को पेमेंट भी नहीं होती है, साथ में कोरोना में जितना खर्च हुआ उसका तो एक ही हिसाब ना तो स्थायी समिति में पास किया है, ना बोर्ड की बैठक में पास किया है। हम लोग सारे पार्षद एक होकर धरना प्रदर्शन करने तैयार हैं। क्या लगता है कि कोरोना काल में घोटाला, बड़ा घोटाला हुआ है? घोटाला तो हुआ है, जो भी हुआ है हमको सारा हिसाब दे दिया जाए कि आप कहाँ से, मतलब आपको जो हिसाब है 5 लाख हो या 50 लाख हो, आप किसने पास किए, कितना पावर है आपके पास भी दिखा दीजिए। मान लिया जाए आपको बजट में अति ले जाता है, स्थायी समिति में, कार्य समिति में किसी ने पास नहीं हुआ, अन्ना बोर्ड की बैठक में, वो हिसाब होना चाहिए ना। आपको यदि हिसाब सिंपल रहेगा आप हिसाब दे सकते हैं, हिसाब में हमें आए हुए हिसाब में 3 साल से हमें कोई चीज नहीं रही है, हम लोग सारा पैसा को भी जवाब देना पड़ता है, जनता को भी जवाब देना पड़ता है, आप हमको जवाब नहीं दीजिए हम तो कैसे जवाब देंगे। यही सब है। भागलपुर उत्तर वाहिनी गंगा में नदी के बीच एक निर्माणाधीन पिलर से एक बड़ी नाव टकराई। भागलपुर जिले के सुल्तानगंज में उत्तर वाहिनी गंगा में नदी के बीच एक निर्माणाधीन पुल के पिलर से एक बड़ी नाव टकरा गई, जिसके बाद नाव पर सवार करीब एक दर्जन लोग ने गंगे में छलांग लगा दी। वहीं पिलर से टकराने से नाव के किनारे पर बैठे 2 लोग पिलर से टकराकर घायल हो गए। नदी में कूदे लोगों में से करीब आधा दर्जन लोग लापता है। बताया जा रहा है कि खगड़िया जिले के परबत्ता थाना क्षेत्र के अगवानी गंगा घाट से करीब 70 लोग नाव पर सवार होकर भागलपुर जिले के सुल्तानगंज गंगा घाट आ रहे थे। अगवानी गंगा घाट में पुल के पाया से टकरा से नाव पर अफरा तफरी मच गई। नाव को डगमगाता देख घबराकर कई लोग नदी की धारा में कूद गए। Thank you.
कुछ आदमी गिरल नहीं सरगंजे में रहे रहे लहू लुहान छे पूरे एम्बुलेंस सट गेल छे कैसे कैसे घटना हुई सर? जैसे नाव आ रहा था उस साइड से, तो नाव जब हलतबली मचने लगी पोल के पास आके, तो कितने आदमी कूद गए थे, तो जिसने मैं देख नहीं पाया कि मेरे पापा कूदे कि नहीं कूदे, तो कितने आदमी कूदे, तो उधर से एक नाव आ रही थी मतलब, तो उसमें बहुत सारे आदमी तैर के चले गए थे मतलब बैठ गए थे उस पर, और वो नाव उस पार में, अभी ये नहीं पता कि मेरे पापा उस पार में है कि पानी में। क्या नाम है आपका? सरवण ठाकुर। कौन गाँव? तेमथारा का। घटना हुआ यही कि वो जो है ना इधर से लौ जा रहा था, वो एक के बार दिया स्टेरिंग कार पूरा, हाँ, स्टेरिंग काट के बस डायरेक्ट बूथ में ठोक दिया पाए में। उसके बाद? उसके बाद दो चार दस आदमी कूद गया, हाँ। उसके बाद ये जो है इसको हम देखने में बेदम हो गए, उधर एक दो आदमी डूब भी गया है, बच्चा सब। नहीं बच्चा, बच्चा नहीं। कैसे हुआ सर? डायरेक्ट पोल में ठोक दिया थी पयाओं में। नौ? हाँ नौ मलाम। अच्छा डायरेक्ट। हाँ। उधर वो एक दो आदमी डूब भी गया है सर, हाँ। और जो है मेरा पैर टूट गया, उसका जो है हाथ उत फट गया, समझ गया ना? हाँ। यही बात है और कुछ। क्या नाम है? हाँ? क्या नाम है आप? मेरा नाम सर्वेश कुमार हुआ। कहाँ घर है? घर है थे भाई पोस्ट कोलबरा थाना परवत्ता जिला खगड़िया। संवेदक ने नहीं दिया मानदेय, सफाई कर्मचारी हड़ताल पर। नवगछिया शहर के कई जगहों पर लगा कचरे का अंबार। नवगछिया नगर पंचायत में मानदेय नहीं मिलने पर सफाई कर्मचारियों के हड़ताल पर चले जाने से पिछले चार दिनों से सफाई व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो गई है। लिहाजा नगर पंचायत क्षेत्र में जगह जगह कचरे का अंबार लग गया है। गलियों और सड़कों पर कचरे का अंबार रहने से वातावरण दुर्गंध युक्त हो गया है। सफाई कर्मचारियों के हड़ताल पर रहने का कारण मेहनताना नहीं मिलना बताया जा रहा है। अगस्त माह बीतने को है, लेकिन अभी तक जुलाई माह का मेहनताना भी संवेदक द्वारा नहीं दिया गया है। जबकि सफाई कर्मचारी के साथ संविदा में स्पष्ट जिक्र किया गया है कि हर हालत माह के 10वें तारीख तक सफाई कर्मियों को मेहनताना दे दिया जाएगा। सफाई कर्मियों ने बताया कि लेट लतीफ मानदेय मिलने के कारण उन लोगों को घोर आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। सफाई कर्मियों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जब तक उन लोगों को अगस्त माह का मेहनताना नहीं दिया जाता है, तब तक वे लोग काम पर वापस नहीं लौटेंगे। इधर नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी संजीव कुमार सुमन ने कहा कि हर हालत में मंगलवार को सभी सफाई कर्मियों को अगस्त माह का मानदेय भुगतान करने का निर्देश संदेश को दिया गया है। उम्मीद है कि जल्द से जल्द नगर की सफाई व्यवस्था बहाल कर दी जाएगी। नवगछिया मां सिंगी अभियान में 70 लोगों से वसूला गया जुर्माना। नवगछिया एसपी स्वप्ना जी मिश्राम के निर्देश पर पुलिस जिले के सभी थाना क्षेत्र में चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान मास्क एवं वाहनों की जांच की गई। जांच अभियान में कुल 70 लोगों को बिना मास्क के सार्वजनिक स्थानों पर गतिविधि करते हुए पाए गए, जिससे कुल 3500 रुपए जुर्माना वसूल किया गया। वहीं इस अभियान में 3 वाहन से 3000 रुपए भी जुर्माना वसूल किया गया है। नवगछिया के उपकारा में एक बंदी कोरोना पॉजिटिव। नवगछिया उपकारा में एक बंदी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल उपाधीक्षक डॉक्टर अरुण कुमार सिन्हा ने बताया कि सोमवार को उपकारा में 43 बंदियों की जांच की गई, जिसमें एक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके अलावा नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल में 27 लोगों की जांच की गई है एवं नवगछिया प्रखंड के कदवा भरोसा सिंह टोला में शिविर लगाकर 125 लोगों की जांच की गई है, जिसमें सभी लोगों की रिपोर्ट निगेटिव आई है। कृपया ध्यान दें, अब एक मिनट के विज्ञापन के बाद खबर प्रारंभ होगा। अब आपके शहर नवगछिया में पहली बार फ्लैक्स बैनर प्रिंट हाथों हाथ पाए। फ्लैक्स प्रिंट लाइट बोर्ड, रेडियम बोर्ड, नेम प्लेट, नंबर प्लेट, ग्रेनाइट मार्बल पत्थर पर खुदाई के लिए संपर्क करें विनायक आर्ट, गौशाला रोड, पुरानी गैस ऑफिस के सामने, नवगछिया। मोबाइल 7295830773, 93043-67-170। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। अब घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना, नवगछिया का सुप्रसिद्ध सुंदरम रेस्टोरेंट। फ्री होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 8969339666। हमारा पता है नवगछिया ऑटो स्टैंड माँ गायत्री प्लाई के ऊपर, सुंदरम फैमिली रेस्टोरेंट।
दसवीं बारहवीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर, रहना खाना पढ़ना बिल्कुल फ्री, MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन के द्वारा अन्य राज्यों में पढ़ने का मौका, BA BCom BSc पॉलिटेक्निक BTech BBA BCA में ले निःशुल्क नामांकन, MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन हाई स्कूल के समीप नवगछिया भागलपुर। अभी कॉल करें 8873-9736-80 8225-6905 या रजिस्टर करें msw.bihar.com पर। नवगछिया के इस्माइलपुर में बाढ़ की स्थिति भयावह, 40,000 आबादी बाढ़ से प्रभावित। गंगा नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि होने से नवगछिया में बाढ़ की स्थिति भयावह होती जा रही है। गंगा नदी पिछले कई दिनों से खतरे के निशान के ऊपर बहने के कारण गोपालपुर एवं इस्माइलपुर प्रखंड विभिन्न हिस्सों में बाढ़ का पानी फैल गया है, जिससे बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। गंगा नदी अभी भी खतरे के निशान 31.60 मीटर से 50 सेंटीमीटर ऊपर 32.10 मीटर पर बह रही है। खतरे के निशान से गंगा नदी के ऊपर होने से इस्माइलपुर में बाढ़ की स्थिति सबसे ज्यादा भयावह हो गई है। बाढ़ में इस्माइलपुर प्रखंड की 40,000 की आबादी बाढ़ से प्रभावित हो गई है। नवगछिया में मुहर्रम को लेकर नवगछिया थाने में हुई शांति समिति की बैठक, नहीं निकलेगा तजिया व जुलूस, DJ भी नहीं बजेगा। नवगछिया टाउन थाना में सोमवार को SDPO प्रवीण भारती की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुहर्रम त्योहार को शांतिपूर्ण संपन्न हो, इसको लेकर विचार विमर्श किया गया। SDPO प्रवीण भारती ने कहा कि लॉकडाउन के मद्देनजर सरकारी गाइडलाइन पर ही मुहर्रम का त्यौहार मनाया जाएगा, इसको लेकर आयोजन समितियों को सरकारी नियमों की जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन को लेकर तजिया जुलूस नहीं निकाले जाएंगे, तजिया भी नहीं निकलेगा और DJ पर भी प्रतिबंध रहेगा। पूरी तरह सरकारी नियमों का पालन करते हुए मुहर्रम का त्यौहार मनाया जाएगा। मौके पर नवगछिया CO, नवगछिया थाना अध्यक्ष राज कपूर कुशवाहा, मुख्य पार्षद प्रतिनिधि प्रेम सागर उर्फ W यादव सहित अन्य पंचायत प्रतिनिधि सहित शांति समिति के सदस्य मौजूद थे। तेतरी में मध्य विद्यालय इंटर स्तरीय विद्यालय में प्रोन्नत। नवगछिया प्रखंड के तेतरी के वार्ड संख्या 6 स्थित मध्य विद्यालय को इंटर स्तरीय विद्यालय में प्रोन्नत किया गया है। सोमवार को विद्यालय का विधिवत उद्घाटन विद्यालय शिक्षा समिति अध्यक्ष कंचन देवी के द्वारा किया गया। मालूम हो कि मध्य विद्यालय तेतरी में अब तक कक्षा 8 तक की पढ़ाई होती थी, लेकिन अब यहां पर 9वीं कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई होगी। वहीं मौके पर वार्ड सदस्य प्रतिनिधि सह समाज सेवी संतोष कुमार सहित कई अन्य उपस्थित थे। 15 लीटर चुलाई शराब एवं 80 किलो जावा महुआ बरामद, दो गिरफ्तार। नवगछिया के इस्माइलपुर थाना क्षेत्र के केलावारी टोला में उत्पाद विभाग एवं पुलिस विभाग के द्वारा की गई छापेमारी में 15 लीटर चुलाई शराब एवं 80 किलो जावा महुआ बरामद किया गया है। वहीं इस कार्रवाई में पुलिस ने शराब कारोबारी इस्माइलपुर के केलावाड़ी निवासी गोविंद कुमार एवं रंजीत मंडल को मौके से गिरफ्तार भी कर लिया है। नवगछिया SP स्वप्ना जी मेश्राम ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि केलावाड़ी में महुआ शराब बनाया जा रहा है। सूचना के आलोक में उत्पाद विभाग के निरीक्षक चंदन कुमार एवं इंस्पेक्टर मार्कंडे सहित उत्पाद विभाग की टीम के द्वारा गोविंद कुमार एवं रंजीत मंडल के घर छापेमारी की गई। छापेमारी में दोनों के घर से महुआ शराब एवं जावा महुआ को बरामद किया गया है। मौके पर शराब बना रहे दोनों कारोबारियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। अब घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना। नवगछिया का सुप्रसिद्ध सुंदरम रेस्टोरेंट। फ्री होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 8969339666। हमारा पता है नवगछिया ऑटो स्टैंड माँ गायत्री प्लाई के ऊपर, सुंदरम फैमिली रेस्टोरेंट। दसवीं बारहवीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर, रहना खाना पढ़ना बिल्कुल फ्री, MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन के द्वारा अन्य राज्यों में पढ़ने का मौका, BA BCom BSc पॉलिटेक्निक BTech BBA BCA में ले निःशुल्क नामांकन, MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन हाई स्कूल के समीप नवगछिया भागलपुर। अभी कॉल करें 8873-9736-80 8225-6905 या रजिस्टर करें msw.bihar.com पर। अब आपके शहर नवगछिया में पहली बार फ्लैक्स बैनर प्रिंट हाथों हाथ पाए। फ्लैक्स प्रिंट, लाइट बोर्ड, रेडियम बोर्ड, नेम प्लेट, नंबर प्लेट, ग्रेनाइट मार्बल पत्थर पर खुदाई के लिए संपर्क करें विनायक आर्ट, गौशाला रोड, पुरानी गैस ऑफिस के सामने, नवगछिया। मोबाइल 72 95 830 773 93 043 67 170